हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि आज सैमसंग टीवी में आप गैलरी को कैसे यूज़ करेंगे और यहाँ पे आप अपने फ़ोन के फ़ोटोज़ को आप टीवी पे कैसे ला सकते हैं और इसको कैसे आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको जानी है, सबसे पहले इस टीवी को इंटरनेट में कनेक्ट करनी है। तो नेटवर्क में जाएँ और देखें कि आपका टीवी नेट में कनेक्टेड है या नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नहीं कनेक्टेड है, इसको पहले कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर वायरलेस पर जाएँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये नेटवर्क कनेक्ट हो चुका है। अभी हम इसको हम जाएंगे ऐप स्टोर में और यहाँ पे ओके करें। तो यहाँ पे आपको सर्च में जाएं ऊपर में और सर्च करें आप गैलरी जी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में गैलरी आ चुका है, इसको इंस्टॉल करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब हम इंस्टॉल करें तो यहाँ पे आपको आ रहा है अपना आईडी पासवर्ड के साथ। सो सैमसंग अकाउंट के साथ आपको क्या करनी है, साइन इन करनी है। सो यहाँ पे हम पहले अकाउंट को चेंज कर लेते हैं। सो चेंज अकाउंट दूसरा आईडी से करना चाहते हैं और साइन इन करनी है हमें सैमसंग अकाउंट के साथ। सो साइन इन पर जाएँ और यहाँ पे आपका सैमसंग अकाउंट का आईडी और पासवर्ड देके लॉगिन कर लें। तो यहाँ पे हमने आईडी पासवर्ड दे दिया और लॉगिन कर ले, साइन इन कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे लॉगिन जो है सक्सेसफुल हो चुका है, इसको डन कर लेते हैं। साइन इन करें, इसको वापस साइन इन पे जाएं और यहाँ पे आपको पासवर्ड देनी है आइडेंटिटी कन्फर्म करने के लिए। सो अगेन पासवर्ड दे और यहाँ पे आपको क्या करनी है, 4 डिजिट का आपको पिन एंटर करनी है सिक्योरिटी पर्पस, सो दैट आप ही यूज़ करें इसको जब भी आपको लॉगिन करना हो। तो आप पिन एंटर कर लें यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं ये डन हो चुका है। सो यहाँ पे अभी क्या करनी है, आपको अपने फ़ोन पे जानी है और गैलरी एप्लीकेशन जो है उसको ओपन करके आपको वहाँ पे सैमसंग क्लाउड सिंक को ऑन करनी है। तो अभी मैं दिखाता हूँ फ़ोन में इसको कैसे करनी है। ये देख सकते हैं सैमसंग फ़ोन है। यहाँ पे हमें क्या करनी है, हम जाएंगे यहाँ गैलरी ऐप में, तो गैलरी पे जाएं। तो ये हम जाएंगे यहाँ पे फ़ोन में और यहाँ पे जानी है आपको सेटिंग में जाएं और यहाँ पे क्या करनी है, आपको अपने सैमसंग अकाउंट के साथ लॉगिन करनी है। तो यहाँ पे जो लॉगिन किया हुआ है, इसके बाद आपको जानी है यहाँ पे सिंक के ऊपर और यहाँ पे देख रहे हैं आप सिंक नाउ। तो सिंक नाउ करने से पहले आपको क्या करनी है, आपको यहाँ पे एल्बम पर जाएं जिसको आप अपलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे एल्बम हैं जो शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप हमने यहाँ पे स्टोर पिक्चर सिलेक्ट कर लिया, आप जो भी यूज़ करना चाहते हो उसको यूज़ कर लिया और यहाँ पे सिंक नाउ क्लिक करनी है। तो जो सिंक होगा, जब सिंक कम्प्लीट हो जाएगा तो आपको दिखा देगा यहाँ पे कि कौन कौन सा फाइल सिंक हुआ है। तो देखते हैं हम यहाँ पे। सो यहाँ पे देख पाएंगे कि जो रिसेंटली ऐड हुआ है वो सिंक जो हमने फाइल किया, यहाँ पे सारा फाइल सिंक वाला दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये 5 फोटोज़ हमने जो सिलेक्ट किया था उस फोल्डर का, वो सिंक हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा टीवी पे। हम यहाँ पे जाएंगे गैलरी में और इसको लॉगिन करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे जो पिन है हम उसको एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी जो हमने फ़ोटोज़ जो वहाँ पे सिंक किया था वो यहाँ पे शो कर रहा है 5 फोटोज़। ये नेक्स्ट कर चेंज करें तो इस तरीके से आप देख सकते हो जो भी फ़ोटोज़ यहाँ पे दिख रहा है। बैक कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं व्यूज़ डेली है, जो डेली बेसिस का फोटो दिखाएगा। सो ये आज का फ़ोटो था तो आज का दिखा रहा है और उसको मंथली बेसिस भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे आपको दिखाएगा। और राइट लेफ्ट साइड में अगर आप देखो तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको, अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा पिक्चर्स एल्बम डेट वाइज आपको यहाँ पे सारा फ़ोटोज़ देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन्स का फ़ोटोज़ आप सैमसंग टीवी पे यूज़ कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हो।
तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।